सबको मेरा अभिवादन। आज के इस शुभ दिन पे हम लोग अपने विद्यार्थियों और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत खास एक परिचर्चा में आपके साथ हाजिर हैं। आज का जो विषय है, किस तरह से हम अपने जीवन को विश्वसनीय बनाएं कि लोग हमारे पर ट्रस्ट करें। जब हमारे पर ट्रस्ट जनता आम लोग करेंगे, एक तो की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर अधिकांश लोग ट्रस्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो इसलिए हम मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कितना भी अच्छा काम करें वो आपके विरोधी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष के लोग विरोधी रहे, भगवान राम के विरोधी रहे, सीता जी के रहे, तो आपको ये उसमें अपवाद नहीं है। लेकिन अगर अच्छा करेंगे तो अधिकांश लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और एक बहुत बड़ी सफलता आपकी होगी। तो विश्वसनीय बनना जीवन में सबसे जरूरी है। तो आज आप नवोदय युग में बने रहें और हमारे साथ बने रहने से आपको एक मोटिवेशन, आध्यात्मिक चिंतन और आगे बढ़ने की प्रेरणा सदैव मिलती रहेगी। ऐसा मेरा परमात्मा से निवेदन है कि हम सब जुड़े रहें और आपस में आगे एक दूसरे को बढ़ाते रहें। अगर आपने इस चैनल से जुड़े नहीं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करने के माध्यम से अच्छाई का प्रचार करते हैं। तो अच्छाई, विश्व को अच्छा बनाना हम सबका ध्येय है। आप जानते हैं कि विश्वसनीय बनना हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है। जब हम विश्वसनीय बनते हैं तो दूसरे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और किसी का विश्वास अर्जित करना मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो हमारे पास बैंक बैलेंस है ना, उससे बड़ा ये धन है विश्वास अर्जित करना। अगर लोग हमारे पर विश्वास नहीं है तो समझिए हमारा धन होते हुए भी हम निर्धन है। तो विश्वसनीय बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है। एक तो अपने भीतर सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना होता है, ताकि दूसरा समझे कि वास्तव में जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वह सच्चा इंसान है और किसी भी मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, तभी वो आपको अच्छा मानेगा। तो सच्चाई एक ऐसी चीज है, अगर सत्यता के साथ हम रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा है वादे को न तोड़ना। अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी के साथ कोई वादा करते हैं, तो उस वादे पर खरे उतरे। मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, मानव होने का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो वादा न करें। अगर करते हैं तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मानव जीवन में अगर आप वहां तक नहीं भी जाते हैं तब भी वादे को बरकरार रखना मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। और किसी प्रकार से अगर वादा हम तोड़ना पड़ता है तो उसके लिए सफिशियंट रीजन, कारण बताएं, देखिए ऐसी ऐसी चीजें हैं, इस वजह से हम आपसे पीछे हट रहे हैं, तो भी अगले व्यक्ति को कम से कम कुछ संतोष होगा और वो आपसे बहुत नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा। तो विश्वसनीय होने के लिए अपने वादाओं पर, अपने जो कमिटमेंट है उस पर दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, समय का पालन करना। बहुत सारी चीजों पर हम देखते हैं, हम बोलते हैं इतने समय पे आएंगे, ये काम आपके लिए करेंगे, लेकिन हम समय का पालन नहीं कर पाते, जिससे हमारी विश्वसनीयता खंडित होती है। तो क्यों ना हम समय का पालन करें, जिससे जिस समय पर कहे हैं मिलने के लिए उसी समय पर काम करें। और अपने से भी हम बहुत सारे वादे करते हैं, अगर अपने प्रति वादे करते हैं तो अपने प्रति विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है जीवन में, कि हम अपने प्रति लायबल हैं, अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करें, बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद बहुत सारे समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं, अगर उन दायित्वों का भी पालन करते हैं। किसी जगह पर हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कामों पर लगे हुए हैं, उन अपने कामों में पूर्णता लाना, उन कामों पर जिम्मेदार रहना विश्वसनीय होने का सबसे बड़ा गुण है। तो हम अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इससे बड़ी विश्वसनीयता कुछ नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे बिंदु है जो हमारे जीवन को अच्छा करेंगे, तो इस विश्वसनीयता को अपने जीवन हम एक हैबिट के रूप में डेवलप करेंगे और अच्छे बनने का सदैव प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभकामनाएं।